तो आज मैं बात करने वाली हूँ निफ्ट के फर्स्ट सेम में यूज़ होने वाली स्टेशनरीज के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न है कि हमें क्या यूज़ करना होगा, क्या नहीं करना होगा, तो आज मैं उसकी कुछ लिस्ट बताऊंगी एंड आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगी, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो जो सबसे पहला इस लिस्ट में नाम आता है वो है स्टेडलर का। गाइज, आप लूना स्टेडलर लेना, ये काफ़ी अच्छा रहता है, इसकी क्वालिटी भी अच्छी रहती है। एंड अगर आप चाहें, ये जैसे कि वाटर कलर पेंसिल है, तो आप इसे वाटर के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा होता है। सेकेंड थिंग इज़ वाटर कलर ट्यूब्स। गाइज, आप ये कोई भी ले सकते हैं, लाइक यहाँ पे कैमलिन का है, आप फेबर कैसल का ले सकते हैं, और भी बहुत सारे ब्रांड्स आर्टिस्ट का ले सकते हैं, तो बहुत सारा अवेलेबल है, आप कोई भी एक वाटर कलर ट्यूब्स ले सकते हैं। उसके बाद जो थर्ड थिंग है हमारी, वो है शेडिंग पेंसिल्स। शेडिंग पेंसिल्स, आप जितनी भी शेड्स की पेंसिल होती हैं वो सारी ले लीजिएगा, ये सारी आपकी ड्राइंग में यूज़ होने वाली है, इलस्ट्रेशन में यूज़ होने वाली है, तो ये सारी पेंसिल्स आपको लेनी पड़ेगी, एंड कलर्स एंड स्टेडलर। उसके बाद हम बात करते हैं जूट की। जूट की रोप, गाइस आप लोग जानते होंगे, जूट की रोप्स इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप यार्न पे वर्क करते हो तो मे बी आप जूट पे भी थोड़ा बहुत काम करो, तो इसलिए आप जूट थोड़ा बहुत ले लेना। उसके बाद आता है हमारा यार्न, मैक्रमे। अपने यार्न होता है एक, और एक होता है मैक्रमे। तो गाइज, मैक्रमे और यार्न दोनों ही यूज़ होता है, तो आपको जो सूटेबल हो आप वो ले सकते हो। मैक्रमे और यार्न यूज़ करके बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाने पड़ते हैं हमें। सब्जेक्ट है जो मटेरियल हैंडलिंग, उस सब्जेक्ट में हम लोगों को ये सारी चीज़ें यूज़ करनी पड़ती हैं। गाइज, मैं आपको एक यार्न की क्लिप दिखाती हूँ, तो थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके का यूज़ करते हैं हम यार्न को। तो आपने यहाँ पे देखा कि यार्न यूज़ करके प्लांटर बनाया गया है। उसके बाद जो थिंग है वो है कलर पेपर। कलर पेपर का तो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला है आपका, ओरिगामी, किरीगामी, सारे चीज़, वीविंग, हर चीज़ में आपका कलर पेपर यूज़ होगा। उसके बाद हम आते हैं वुडन ब्लॉक्स पे। गाइज, वुडन ब्लॉक्स भी आपको जॉइंट के लिए काम आएगा, जॉइंट सीखने के लिए, तो वुडन ब्लॉक्स का आपको नीड होगी वुडन ब्लॉक्स की। उसके बाद आपके पास कुछ एक दो फैशन मैगजीन्स भी होनी चाहिए, लाइक वोग्यू, बाजार, एल, इस टाइप की दो तीन मैगजीन्स आपकी होनी चाहिए। उसके बाद अगर मैगजीन की बात कर लेते हैं, तो आपके दिमाग में भी क्वेश्चन आता है कि मैगजीन्स में क्या करना है। तो गाइस, फैशन बेसिक का जो सब्जेक्ट होता है उसमें, वैसे तो आपको इस वक्त ई लर्निंग डायरी बनानी होगी, बट मे बी कुछ कुछ असाइनमेंट्स मिले जिसके लिए आपको यूज़ हो। उसके बाद एक मेजर रोल प्ले करती हमारी स्टील स्केल। उसके बाद पेपर कटर, क्योंकि वीविंग वगैरह करने के लिए हमें कटिंग की ज़रूरत होती है, आप ये वाला पेपर कटर भी ले सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ब्लेड्स इसमें अवेलेबल होते हैं। उसके बाद एक होता है ग्रेडिंग स्केल, आपको ग्रेडिंग स्केल्स की भी नीड होगी। उसके बाद गाइस, आप लोग के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस थे, क्या निफ्ट में बुक्स भी यूज़ होती हैं? गाइस, निफ्ट में कोई बुक यूज़ नहीं होती है, वो लोग का अपना मॉड्यूल होता है, अपने मॉड्यूल के अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं, कोई भी टाइप्स की बुक वो लोग यूज़ नहीं करते हैं, ना ही आपको यूज़ करनी है। अगर आपको कुछ यूज़ करना है तो वो ये सारे मटेरियल्स हैं, और जितने मटेरियल आप एक्सप्लोर कर सको उतने करो। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ डू अ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।